हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द IVM क्लासेस। टुडे वी डिस्कस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलेशन। रिलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस एज ए पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम। नाउ वी डिस्कस सम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेन पॉइंट्स ऑफ रिलेशन आर फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है रिलेशन के बेटा? पहला पॉइंट है क्या, इफ ये हमने प्रूव भी किया था, R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन लेसन, देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस लेसन। सेकेंड, R1 एंड R2 सेम है, R2 इक्विवेलेंस लेसन, देन R1 यूनियन R2 इज नॉट नेसेसरी दैट that it is equivalence relation। कल हमने प्रूव किया था बेटा कि ये ट्रांजिटिव नहीं होता, कई बार रेयर केसों में हो भी जाता है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चनों में इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है क्या, थर्ड कि भाई R इज एन इक्विवेलेंस लेसन, देन आर इनवर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंस लेसन, ये हमने प्रूव कर चुके। फोर्थ, आर इज सिमेट्रिक इफ ओनली इफ, ये एक अलग है, आर इक्वल टू आर इनवर्स हो। तो ये चार पॉइंट हैं क्या, या जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू काम आएंगे। क्या भाई R1 R2 इक्विवेलेंसन है तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंसन होगा। R1 R2 दो इक्विवेलेंसन है तो इनका यूनियन जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंसन हो। थर्ड, R इज इक्विवेलेंसन है तो इनवर्स भी इक्विवेलेंसन होगा। R इज सिमेट्रिक है तो ये तभी होगा इफ ओनली इफ R इक्वल टू R इनवर्स हो। तो ये चार पॉइंट है। फिर हम पढ़ेंगे बेटा क्या, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता बच्चे? जैसे हमारे पास तीन सेट है, ये लिया हमने वन टू थ्री फोर ABCD और PQRS, इसके साथ लिंक हमारी मैपिंग R और इसके साथ ले लिया हमने S। तो जो यदि हम इसकी मैपिंग लेते हैं, ये इसकी मैपिंग लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? आप कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। और इसमें क्या होता है बेटा, ये जो पहला है, ये लास्ट वाला सेट है, ये पहले आएगा S और ये O R। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो हमारे सिलेबस में है, वो हम डिस्कस भी अच्छे डीपली करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ये एज ए कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका कैसे भाई, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल R इक्वल टू लिंक है, सपोज कर लीजिए 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ, ऐसे लिंक हो। और S का लिंक हो, सपोज कर लीजिए A का P के साथ, B का Q के साथ, C का R के साथ,
डी का ऐसे साथ, ये आ गया हमारे पास। अब यदि हमारे पास ऐसे लिंक हो जाए भाई, वन का लिंक किसके साथ है, ए के साथ, वन का ए के साथ लिंक है, ए का किसके साथ लिंक है, पी के साथ, तो वन का पी के साथ लिंक ली दे तो वो कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दैट इज एस ऑफ आर। क्या होगा, देखो वन का ए के साथ, ए का पी के साथ, तो ए छोड़ दें तो वन का पी के साथ लिंक हो जाए, ये बी भी छोड़ दिया तो टू का क्यू के साथ लिंक हो जाए, सी सी छोड़ दिया थ्री का आर के साथ लिंक हो जाए, ऐसे डी डी छोड़ दिया हमने तो फोर का एस के साथ लिंक हो गया, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन। अब नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, अभी जैसे एक सेट है हमारे पास, उसमें हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है क्या, बेल्स फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये बेल्स ने खोजा था, इसलिए इसको हम बेल फॉर्मूला बोलते हैं, हम इसको चेन रूल भी बोलते हैं। कैसे भाई, यदि इंटीजर है, इंटीजर एन नंबर ऑफ आइटम्स, यह ऐसे इंटीजर के लिए दिया पर नंबर, नंबर ऑफ सेट्स, तो क्या होगा, जैसे मान लिया, सपोज कर लिया हमने वन नंबर है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहते होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, या पहले हम कर लें चेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो चेन तो यहीं पर भी पड़ेगी, वन की वन वन, और इक्विवेलेंस यहां पर कितने बनेंगे, वन ही। ऐसे यदि हमारे पास, यदि हमारे पास नंबर ऑफ आइटम टू हो सेट के अंदर, नंबर ऑफ आइटम कितने हो, टू, तो चेन कैसे बनेगी भाई, हम इसको लिखेंगे वन, ठीक है, वन प्लस वन टू, तो कितने बन गए यहां पर हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। यदि इसमें हमारे पास थ्री हो, ठीक है, थ्री हो तो वन, ठीक है, ओके, वन वन टू थ्री, थ्री टू फाइव, देखिए भाई ये ऐसे बनाएंगे हम चैन, क्या यदि हमारे पास थ्री आइटम हो, जैसे वन है, वन का वन लिख दिया हमने, आ गया हमारे पास, फिर वन में वन टू, टू आ गया हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास, यदि ये हमारे पास वन का वन, वन टू थ्री, थ्री टू फाइव, ऐसे तीन बार लिखेंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बढ़ेंगे हमारे पास, दैट इज द फाइव। ऐसे जैसे हमारे पास चार हो, वन वन थ्री फोर, फोर फाइव नाइन, नाइन फाइव फोर्टीन, ऐसे बनेंगे हमारे पास, वन थ्री फोर, फोर थ्री सॉरी, वन का वन, वन थ्री फोर, फोर थ्री सेवन, सेवन फाइव ट्वेल्व, ऐसे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितने बनेंगे हमारे पास, ट्वेल्व। तो इस तरह से हमारे पास ये बनेंगे हमारे पास, जैसे आप भी यहाँ पर एग्जांपल में क्वेश्चन आ जाए, वन टू थ्री है, इसमें तीन एलिमेंट है भाई, या ए बी सी है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बनेंगे, कितने बनेंगे हमारे पास, ये बनेंगे भाई हमारे पास कितने बनेंगे, फाइव, लास्ट वाला। चार एलिमेंट हो, ए ई आई ओ, चार एलिमेंट है, तो कितने बनेंगे हमारे पास, ये बनेंगे हमारे पास कितने बनेंगे भाई हमारे पास, बारह, ओके। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे,
यदि पांच हो तो पांच में भी ऐसे बनाएंगे हम, दैट इज द बेल फॉर्मूला। तो ये नंबर ऑफ इक्विलेशन का है। ओके, तो आज हम कंपटीशन क्लास करेंगे, कुछ आपको शॉर्टकट क्लास क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आप घर पे ट्राई करोगे। ओके, तो वेलकम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।